गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के लिए स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2023 की बुक से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। ठीक है, तो आज हमारा क्या टॉपिक है? भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 जो कि 7वां संस्करण है, इसे किसने जारी किया, इसके जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर कौन है? सूरत है। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? नवी मुंबई। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7-स्टार रेटेड इंदौर, 5-स्टार रेटेड सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति शहरों की घोषणा जो है वो की गई है। अब हम आते हैं आगे की तरफ, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की जारीकर्ता कौन है? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर है। बड़े एवं छोटे राज्यों में प्रथम, बड़े राज्यों में प्रथम कौन है? हरियाणा है। और छोटे राज्यों में प्रथम कौन है? केरल है। बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान जो है वो 15वां है। अब हम आते हैं राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022, इसके जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। कब जारी हुआ? अप्रैल 2022 में। बड़े और छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे, तो बड़े राज्य में शीर्ष स्थान पे गुजरात है और छोटे राज्य में शीर्ष स्थान पे गोवा है। बिहार का स्थान बड़े राज्यों में है 15वें स्थान पे है। अब हम आते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22, इसके जारीकर्ता कौन है? FSSAI हैं। जून 2022 में प्रथम बड़े एवं छोटे राज्यों में तमिलनाडु है 82 अंक के साथ और छोटे राज्यों में प्रथम गोवा है 56 अंक के साथ। और बिहार का स्थान बड़े राज्यों में कौन सा है? 16वां है। अब हम आते हैं अपने NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 जो कि 4था संस्करण है। NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 जो कि 4था संस्करण है, इसके जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय हैं। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान सुरक्षा अधिनियम है। NFSA का मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा है जिनका स्कोर 0.836 है, उत्तर प्रदेश जिनका स्कोर 0.797 है और तीसरे आंध्र प्रदेश हैं जिनका स्कोर है 0.794। सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य गोवा हैं जिनका स्कोर कितना है? 0.631। और बिहार का स्थान जो है वो 7वां है, इनका स्कोर है 0.783। अब हम आते हैं स्वास्थ्य सूचकांक। स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 कोविड वर्ष के लिए ये जारी किया गया था, इसके जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग है। प्रथम स्थान पे कौन है बड़े एवं छोटे राज्यों में? तो बड़े राज्यों में केरल है और छोटे राज्यों में त्रिपुरा है। बिहार का स्थान 19वां है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021, इसके जारीकर्ता कौन है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। और प्रथम स्थान पे कौन है? गुजरात है और दूसरे पे हरियाणा है। बिहार का स्थान कौन सा है? 19वां है। बिहार का स्थान 19वां है। अब हम आते हैं सुशासन सूचकांक 2021, इसके जारीकर्ता कौन है? तो गृह मंत्री अमित शाह। प्रथम राज्य गुजरात, ग्रुप बी में बिहार का स्थान 6वां है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 कौन जारी करता है? नीति आयोग। राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का, दूसरे पे तेलंगाना और अंतिम स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का और अंतिम लद्दाख का है। बिहार का स्थान कौन सा है? 15वां है। अब हम आते हैं सतत विकास लक्ष्य SDG, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2020-21, इसके जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। प्रथम स्थान पे कौन है? केरल। स्कोर टोटल 75 है। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश,
एवं तमिलनाडु। बिहार का स्थान जो है इसमें 28वां है सबसे अंतिम स्थान पे, स्कोर कितना है 52। अब हम आते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारीकर्ता कौन है, UNDP और OPHI। सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश कौन है, भारत है। दूसरे पे कौन है, नाइजीरिया है। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या कहाँ है, भारत में 21.8%। और सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाले राज्य कौन है, गोवा और जम्मू कश्मीर। बिहार 51.91%, झारखंड 42.16%, सबसे गरीब राज्य है। अब हम आते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ, अनेमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारीकर्ता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ। प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे उड़ीसा और तीसरे पे हिमाचल प्रदेश है। बिहार का स्थान कौन सा है, 22वां है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020, ठीक है, इसके जारीकर्ता कौन है, आवास एवं शहरी मंत्रालय, मार्च 2021 में। प्रथम स्थान पे 10 लाख से अधिक और कम आबादी में, तो 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर है और 10 लाख से कम आबादी में नई दिल्ली है। और पटना नगर पालिका का स्थान कौन सा है, 16वां है। कौन से स्थान पे है, 16वें स्थान पे है। अब हम आते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, इसके जारीकर्ता कौन है, टाटा ट्रस्ट। जारी कब किया गया, 2021 में। प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र और दूसरे पे तमिलनाडु है। अंतिम स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश। और निर्यात तत्परता सूचकांक 2021, इसके जारीकर्ता कौन है, नीति आयोग है। प्रथम स्थान पे कौन है, गुजरात और दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक है। अब हम आते हैं अपने अगले रैंकिंग की तरफ, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के जारीकर्ता कौन है, टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, भारत में IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर है। और विश्व में प्रथम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि ब्रिटेन में है। तो इस प्रकार हमारा आज का ये वीडियो भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।